subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. Welcome back to my channel Sunshine Study. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. कोडिंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर किया जाएगा. 5 मार्क्स का ये आता है आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में. ठीक है, चाहे वो आपका IBPS हो, SBI हो, LIT हो, ठीक है, असिस्टेंट हो, RBI के एग्जाम्स हो, तो हर किसी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में. ठीक है, पार्ट 1 मैं करा चुकी हूँ कोडिंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो जाके. बिल्कुल बेसिक से कवर किया जाएगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखना. फर्स्ट पे लिखा है ए परसेंटेज बी 28, ठीक है, 42. अब यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज का मीनिंग दिया है ए इज 42 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ बी. मतलब परसेंटेज का मीनिंग क्या ले रखा है यहाँ पे, नॉर्थ. डॉलर का मीनिंग क्या ले रखा है, साउथ. हैश का मीनिंग क्या ले रखा है, ईस्ट. एंड का मीनिंग क्या है, वेस्ट. इतनी बात आ गई समझ में. अब यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट में कुछ नंबर्स दिए हैं कोडिंग के साथ, तो 28 से यहाँ पे 42 कैसे आया प्लस 14 करके, 13 से 27 कैसे आया प्लस 14 करके, 24 से 38 कैसे आया प्लस 14 करके, 25 से प्लस 14 करके 39 आ गया. कोड का मतलब आ गया डायरेक्शंस, और ये नंबर्स का मतलब आ गया कि प्लस करके जितनी आपकी डायरेक्शंस आपको लेनी है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 14 कर देंगे, क्योंकि आपको सारे नंबर्स में यहाँ पे 14 प्लस हो रहा है. ठीक है, 13 में प्लस 14 किया तब आके आपका 27 आया, 24 में प्लस 14 हुआ तब 38 आया. हम सब में प्लस 14 कर देंगे यहाँ पे, ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ये हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा 27, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 56, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 46, राइट. यहाँ हो जाएगा ये 54, और ये हो जाएगा यहाँ पे 20. ठीक है, अब क्या करना है, अब डायरेक्शंस बनानी है. हैश का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ईस्ट. ए इज ईस्ट ऑफ बी, यानी कि एम इज ईस्ट ऑफ एल. कितनी दूरी पे, 25 मीटर की दूरी पे. तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, जो हमारा एम है वो ईस्ट में है एल के. ठीक है, यहाँ पे ए की जगह एम हो जाएगा और यहाँ पे बी की जगह एल हो जाएगा. तो एम इज, यहाँ पे डायरेक्शंस बता देती हूँ, एन ई एस डब्ल्यू. ये डायरेक्शंस होती हैं, ऊपर की साइड नॉर्थ है, नीचे की साइड साउथ है, इधर जाएगा राइट में ईस्ट, लेफ्ट में जाएगा वेस्ट. तो बोला गया इसने एम इज ईस्ट ऑफ एल. ठीक है, तो हम लगा लेंगे यहाँ पे एल के ईस्ट में कौन है, एम है. ठीक है, कितनी दूरी पे, 25 मीटर की दूरी पे. अब क्या होगा, इसको लगते हैं परसेंटेज का मीनिंग क्या है, नॉर्थ. तो एन इज नॉर्थ ऑफ एम, तो एन ऊपर की साइड आएगा, एन नॉर्थ के है एम के, एम के नॉर्थ में एन है. कितनी दूरी पे, 26 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा. ओ एन एन, एंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वेस्ट. ए इज द वेस्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ इज वेस्ट ऑफ एन. ओ वेस्ट किस साइड आता है, इस साइड. कितनी दूरी पे है, 27. तो इतना तक तो 25 हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो ये 25 है. 2 और आगे ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे O. तो 27 मीटर की दूरी पे ये O से N की डिस्टेंस हो गई. नेक्स्ट है यहाँ पे P डॉलर O. डॉलर का मीनिंग क्या है, साउथ. तो P इज साउथ ऑफ O. ठीक है, तो O के साउथ में क्या हो जाएगा, P. कितनी दूरी पे, 46 मीटर की दूरी पे. यहाँ पे लिखा है 46, यहाँ आ जाएगा P. नेक्स्ट है Q हैश P. तो Q इज द ईस्ट ऑफ B, यानी कि Q इज द ईस्ट ऑफ P. तो P के, Q के ईस्ट में P आ जाएगा. तो यहाँ पे ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे Q इज ईस्ट ऑफ P. तो P के ईस्ट में हमारा Q आ जाएगा कितनी दूरी पे, 54 मीटर की दूरी पे.
यहाँ पे हो गया 54 मीटर पे क्यूब, राइट। आगे चलते हैं, आर परसेंटेज क्यूब, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, नॉर्थ, यानी कि आर इज इन द नॉर्थ ऑफ क्यूब, क्योंकि नॉर्थ में आर है कितनी दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे ले लिया मैंने आर, कितनी दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये पूरी की पूरी यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस बना ली, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है इसको, ठीक है। देख लेते हैं इसका, इन विच डायरेक्शन एन इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि कौन से डायरेक्शन में हमारा एन आ रहा है, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये एन है, ठीक है, यहाँ पे ये क्यू है, तो क्यू से अगर मैं डायरेक्शन लिखूंगी, ये ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन हो जाएगी, इधर यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, नीचे साउथ और इधर वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में हमारा एन इधर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा था, ना कि एन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जेड इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पॉइंट बिटवीन एम एंड आर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड जेड, एल एंड जेड के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। अगर जेड मिड पॉइंट होगा एम एंड आर के बीच में, अब ये एम है इधर और ये आर है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो एम एंड आर के बीच में एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है जेड, ठीक है। पूछा क्या है, एल और जेड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ तक, 25 है, ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस है पूरी, देखिए यहाँ तक तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस 54 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 27 मीटर हुई, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, हो गया 27 से 27, ठीक है। तो ये कितना बचा यहाँ पे, 27 बचा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस ही 54 मीटर की है, तो ये भी आपका 27 होगा इतना, ठीक है। अब 27 का हाफ कर लो, तो आपको एम एंड जेड की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 27 का हाफ प्लस 25 कर देते हैं यहाँ पे, तो आपकी एल से जेड की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर देना कि आपका आंसर क्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड आर, एल एन आर के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है ये पूरी डिस्टेंस 54 मीटर है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस आपकी 25 मीटर है, अभी मैंने बताया था, तो इतनी डिस्टेंस कितनी बची आपकी, ये आपकी 27 मीटर होगी, क्योंकि इतना यहाँ तक ये 27 है, ये भी 27 होगा, ठीक है। तो बचा कितना, 27 और बचा 54 कंप्लीट होने में, तभी तो ये पूरी 54 होगी, तो ये भी आपका पूरा 27 मीटर है और ये आपका 25 मीटर है, तो 25 प्लस 27 कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 52 मीटर, तो 52 मीटर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 52 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तीनों क्वेश्चन मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इजिली कर लोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन दिया है, सिंबल दिया है, और यहाँ पे डायरेक्शन दे दी, बट डायरेक्शन कैसी दी है, देखिए यहाँ पे क्या दिए, ए इज प्लस फ्रॉम पॉइंट बी का मतलब क्या है, बी इज टू द साउथ ऑफ ए, मतलब रिवर्स कर दिया, ठीक है, यहाँ से बी से इन्होंने शुरू कर लिया, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ए से शुरू कर लिया, ए से बी की ओर डायरेक्शन बता रहे हैं, यहाँ पे ए से बी की ओर डायरेक्शन बता रहे हैं, बट प्लस और इक्वल्स टू में इन्होंने बी से ए की तरफ डायरेक्शन बताई है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज करने के लिए और थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये भी हो जाएगा, कैसे करना है मैं बता देती हूँ, देखिए प्लस का मीनिंग क्या है, नॉर्थ है, इक्वल्स टू का मीनिंग क्या है, साउथ है, और ये आपका पैरेलल का मीनिंग है यहाँ पे ईस्ट, और ये आपका इनटू का मीनिंग है वेस्ट, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं, डिस्टेंस हमें नीचे दे रखी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है एस इज इक्वल्स टू 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी, अब इक्वल्स टू का मीनिंग क्या है, ऊपर लिखा है साउथ है, ठीक
ठीक है, बट यहाँ से बी से ए के बारे में बोला है, यानी कि हमें क्या करना है, पी से एस के बारे में लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी इज टू द साउथ ऑफ एस, ठीक है, रिवर्स में चलेंगे क्योंकि यहाँ से बी से शुरू किया है ना, तो हम भी रिवर्स से चलेंगे, पी से शुरू करेंगे, तो पी इज टू द साउथ ऑफ एस। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये लेट सपोज एस ले लिया, तो पी किसके साउथ में है, एस के साउथ में है, कितनी दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे, राइट। तो मैंने इसको ले लिया 20 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट आर। अब ये इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू में तो रिवर्स दिया है, बी से शुरू है तो मैं आर से शुरू करूंगी, आर इज साउथ ऑफ क्यू, ठीक है, आर इज साउथ ऑफ क्यू। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो मैं क्यू एंड आर को अभी नहीं बना सकती, कॉमन पॉइंट देखना है जिसमें एस और पी हो, ठीक है, एस हो या तो फिर पी हो, तो इसमें मुझे दिख रहा है पी, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। पॉइंट आर इज पैरेलल 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी, तो पैरेलल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ईस्ट, और यहाँ पे सिंपल दे रखा है इन्होंने ए से बी, तो हम भी आर से पी पी देखेंगे, है ना। आर हमारा कहाँ है, ईस्ट में है पी के, तो पी का ईस्ट कौन सा हो गया, इस साइड हो गया, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है, इस साइड ईस्ट होता है तो आर इस साइड हो जाएगा। कितनी दूरी पे है यहाँ पे, 30 मीटर की दूरी पे है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 30 मीटर, राइट। आगे चलते हैं, अब मुझे देखना है कॉमन पॉइंट एस पी आर, तो यहाँ पे मुझे आर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ पॉइंट क्यू इज 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट आर, तो आर से शुरू करूंगी क्योंकि इक्वल्स टू में रिवर्स है, ठीक है, तो आर इज टू द साउथ ऑफ क्यू, तो क्यू के साउथ में आर है, ठीक है, कितनी दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, 15 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, कॉमन पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है आपको, क्यू आर एस पी, इसमें से देखिए यहाँ पे मुझे क्यू दिख रहा है, तो मैं इसको लेती हूँ पहले, पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल का मतलब है ईस्ट, ठीक है, तो यू इज ईस्ट ऑफ क्यू, तो यू आपका ईस्ट में है क्यू के, तो मैंने इसको यहाँ पे बना लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, कितनी मीटर की दूरी पे, 16 मीटर की दूरी पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, यू एंड वी का ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यू आ चुका है यहाँ, यू इज, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, नॉर्थ है, ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स में दे रखा है, बी से ए की तरफ दे रखा है, ए से बी तो लिखा है यहाँ पे बट बी से ए की तरफ लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं वी से यू की तरफ जाऊंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट यू पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट यू, तो पॉइंट वी आपके नॉर्थ में आ जाएगा पॉइंट यू के, कितनी दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे। नेक्स्ट आपका ये पॉइंट बचता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, पैरेलल में साइन है, तो पॉइंट टी इज ईस्ट ऑफ पॉइंट वी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टी आ जाएगा यहाँ कहीं पे, ठीक है, कितनी दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे, राइट। अब ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पे सॉल्व बिल्कुल हो चुका है, अब आपके चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड क्यू, एस एंड क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, तो ये वाली डिस्टेंस बतानी है, अगर आपको ये वाली डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो आप ये पाइथागोरस लगा सकते हैं, यहाँ पे ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगी, ठीक है, ये आपका पूरा 20 मीटर है और ये आपका 15 गिवन था यहाँ पे, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा यहाँ तक, तो 20 माइनस 15, तो ये बचा 5 हो जाएगा, तो पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पे 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पे एस क्यू स्क्वायर निकल आपके शॉर्टेड डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 900 प्लस 25 का होल स्क्वायर, तो 925 हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5
ठीक है, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका पॉइंट्स में कुछ बनेगा तो आपका ये 5√30 कुछ आंसर आएगा, बट यहाँ पे इन्होंने 37 नहीं हो सकता है, 37 आपका नहीं हो सकता। ठीक है, 30 के आसपास होगा तो यहाँ पे पॉइंट में, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टी एंड द पॉइंट विच इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है पॉइंट टी एंड पॉइंट आपके एंड द पॉइंट विच इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू। ठीक है, तो क्यू के ईस्ट में कौन है, यू है, और पॉइंट टी के बीच में, यानी कि यू और टी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। सिंपल है, पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पे, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 400 प्लस कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 225। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे 625, तो ये जाएगा 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में यू कौन सी डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, इस साइड ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में यू है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज अ पॉइंट विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 46 मीटर फ्रॉम पॉइंट यू। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, 46 मीटर की दूरी पे जेड आपका डिस्टेंस पे है। ठीक है, टुवर्ड वेस्ट मतलब इस साइड में, यू के वेस्ट साइड में, इस साइड आपका वेस्ट होता है ना, यू के वेस्ट में आपको 46 मीटर पे कितना है, जेड है मिड पॉइंट। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट जेड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस। एस और जेड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब यहाँ से सीधा चलेंगे तो 46 मीटर दूर कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक, इतना ये 16 हो गया, इतना ये 30 हो गया, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा यहाँ तक, और इतना हमें पता था ये 16 है, तो ये 46 टोटल हो गया, तो जेड ये आ गया। तो एस और जेड के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो कितनी हो गई, ये 5 हो गई। कैसे 5 हो गई, ये पूरी 20 थी इतनी, और ये 15 है, तो इतना ये 15 हो जाएगा, तो 20 माइनस 15 ये 5 निकल के आ गया। तो 5 तो डिस्टेंस हो गई, अब किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू एस। एस हमारा ऊपर है, नीचे हमारा जेड है, तो साउथ डायरेक्शन में जेड है हमारा, तो 5 मीटर साउथ आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका कोडिंग है, यहाँ पे प्लस का मीनिंग है ईस्ट 2 मीटर पे, यहाँ पे पावर का मीनिंग है साउथ 2 मीटर पे, एंड का मीनिंग है 4 मीटर की दूरी पे ईस्ट, माइनस का मीनिंग है 2 मीटर की दूरी पे वेस्ट, डिवाइड का मीनिंग है 2 मीटर की दूरी पे नॉर्थ। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे ही बनाना है, ए माइनस बी, माइनस कहाँ पे, इधर है माइनस, माइनस का मीनिंग है वेस्ट 2 मीटर की दूरी पे, तो ए इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ए इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो बी का वेस्ट किधर है, ए है, यहाँ पे डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेती हूँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट आपका इस साइड होता है, तो ए वेस्ट में है बी के कितनी दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे। फिर आता है बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच में क्या है, साउथ है। ठीक है, तो बी आपका कहाँ पे, बी इज साउथ ऑफ सी, बी इज साउथ ऑफ सी, तो बी नीचे आ जाएगा, सी के साउथ में बी है, कितनी दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे, सॉरी 2 मीटर की दूरी पे। अब आप बताते हैं सी एंड डी को, सी एंड डी के बीच में एंड है, तो एंड का मीनिंग है ईस्ट, तो सी सॉरी सी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ डी। ठीक है, तो सी आपका ईस्ट में है डी के, तो आपका इस साइड में पड़ेगा सी, डी के ईस्ट में सी है ना, कितनी दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे। ठीक है, आगे चलते हैं, एफ एंड बी के बीच में बता रखा है यहाँ पे कॉमा है, तो प्लस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, ईस्ट, एफ इज ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में कौन है, एफ है, तो
मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। कितनी दूरी की मीटर में है? 2 मीटर की दूरी में, ठीक है। प्लस का साइन था ना यहाँ पे, 2 मीटर की दूरी पे आ गया अभी, ठीक है। अब उससे क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के कौन सी डायरेक्शन में एफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी और ई के बीच में हमने नहीं बनाया है, यहाँ पे डी और ई के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो डी इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ ई, तो ई के ईस्ट में आपको कौन है, ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डी इज ईस्ट ऑफ ई, कितनी मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में एफ कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, इस साइड वाली, ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये साउथ हो गई। तो इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पे ई है और यहाँ पे कहीं एफ आ रहा है, तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ये पड़ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ई यहाँ पे और एफ इधर है, तो इस वाली डायरेक्शन में पड़ रहा है ना, तो ये डायरेक्शन क्या होती है, साउथ ईस्ट। नंबर सेकंड देख लेते हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है हमें, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और ये आपका 2 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 का अंडर रूट कितना हो जाता है आपका, 2 अंडर रूट 5, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट जी इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एफ टुवर्ड्स 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में जी पॉइंट ड्रॉन कर दिया 2 मीटर की दूरी पे, देन सी इज इन व्हाट डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम जी, सी आपके किस डायरेक्शन में आएगा और कितनी डिस्टेंस पे आएगा जी के। अब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, तो 2 मीटर आंसर हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, जी के रिस्पेक्ट में बताना है, तो जी के रिस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस वाली डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट, तो जी के वेस्ट में ई पड़ेगा कितनी मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे, तो 2 मीटर ईस्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 मीटर ईस्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, राइट। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में